फ्रेंड्स, ये है मेरे पास वॉलनट शेल क्रैकर, आप कह सकते हैं, या वॉलनट क्रैकर आप कह सकते हैं। तो एक प्रकार का अखरोट को तोड़ने का बहुत ही आसान और इजी तरीका आप कह सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये अखरोट है, तो इसका जो शेल है वो काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी मजबूत होता है, और भारत में जो है ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ये आप ये देखिए, ये इसका जो शेल है काफ़ी हार्ड है, और एक मेरे दोस्त ने जो है इसको तोड़ने के चक्कर में अपने दांत का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब उसका टूट गया, और उसको फिर मतलब 2-3 हज़ार RCT करानी पड़ी, और ज़िंदगी भर का दुख हो गया। तो भारत में जो है, जो महिलाएं क्या करती हैं, या तो इमाम दस्ता है उससे तोड़ती हैं, मतलब इमाम दस्ता से तोड़ती हैं अखरोट को, या फिर बेलना है, हथौड़ी है, प्लास है, कोई भी हार्ड चीज़ से तोड़ती हैं। पर आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑनलाइन अमेज़ोन पर जो है वॉलनट क्रैकर टूल्स मिल जाएंगे। खरीदा है वो पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील एलॉय का बना हुआ है, तो मैं जो है जो भी ख़रीदता हूँ कोशिश करता हूँ कि वो स्टेनलेस स्टील का बना हो, एल्यूमिनियम ना हो। जो है वो सस्ते वाला भी है, जो कि मैंने 20 साल पहले अमेरिका से मंगवाया था, तो ये अभी भी चल रहा है। इसको देख कर ही मैंने जो है ये वॉलनट क्रैकर को मंगवाया। तो चलिए अब जो हम इसकी बात करते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसका एक स्प्रिंग है, और यहाँ से आप जब इसको तोड़ते हो तो आपका सारा जो कह सकते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल है वो यहाँ से निकलेगा, और इसमें जो है डिफरेंट साइज के नट्स आ सकते हैं। जो दूसरे प्रकार का पिस्ता है उसको भी आप क्रैक कर सकते हैं, पर हम जो है इसको मेनली अखरोट को तोड़ने के लिए यूज़ करेंगे। तो देखिए करना क्या है, इसको आपने डालना है या ऐसे डालना है, तो 2 बार आपको प्रेस करना पड़ता है। तो जैसे मैं सिंगल हैंड से करूँगा, और ये देखिए बहुत ही कम ताकत लगती है। और इसमें एक और खासियत है कि जब ये हमारा अखरोट टूटता है तो इसका जो आउटर कवर है वो इधर उधर नहीं जाता, जो इसके अंदर जो ये हमारा जो मटेरियल है वो बाहर नहीं फैलता, वो इसी के अंदर रहता है। एक तरफ से तोड़ लिया, अब दूसरी तरफ से मुझे तोड़ना पड़ेगा, 2 बार करना ही पड़ता है तभी इसमें टूटता है, थोड़ा सा दबा के। और ये देखिए, और अब जो है मैं इसको आसानी से सिंगल हैंड से कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा लगता है दोबारा कर लेता हूँ, प्रॉपर शायद मैंने किया नहीं। तो ये देखिए, तो मेरे हाथ से बिखर गया, आप ये देख सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से प्रॉपर, मतलब ये जो हमारा अंदर का जो नट्स हैं वो आसानी से इधर उधर फैल नहीं रहे, बिल्कुल प्रॉपर टूट रहे हैं, जबकि मेरे पास जो पुराने वाला ऑलमोट्स क्रैकर था उसमें सही ढंग से टूटता नहीं, कई बार फैल भी जाता था। चलिए चलिए आपको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, और जिससे आपको इसका डेमो मिल जाएगा। इसमें एक कमी है, इसका जो स्प्रिंग है ये थोड़ा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि सारी जो ताकत है वो इसके स्प्रिंग में ही है। मतलब आफ्टर लॉन्ग यूज़ में आपको इसका प्रॉपर डेमो दे दूँ, प्रॉपर रिव्यू बता दूँगा। दोबारा से करता हूँ, थोड़ा सा ये अंदर जा नहीं रहा, ये देखिए, तो मैंने पूरी तरह से दबा दिया प्रॉपर, और फिर इसको निकालना है, और फिर दोबारा डाल के दोबारा कोशिश करता हूँ, और फिर जोर से दबाना। ये देखिए स्प्रिंग की तरफ ध्यान दीजिए, अब की बार ये अच्छी तरह से टूट गया है। तो भारत में जो है आप इसका ना तो कोई हिंदी में वीडियो है, इवन एक वीडियो नहीं है हिंदी भाषा में, मतलब भारत में ये चीज़ इस्तेमाल ही नहीं होती है, जबकि अखरोट को जो है बहुत ही पौष्टिक माना जाता है, बच्चों के लिए तो बहुत, खास तौर पर ब्रेन का विकास के लिए जो है सभी साइंटिस्ट जितने भी डॉक्टर हैं अखरोट की ही एडवाइस करते हैं। तो ये टूट चुका है, बस यही है कि मेरा हाथ जो है एक सिंगल हैंड है, तो आप ये देख सकते हैं पूरी तरह से ये तोड़ रहा है। अगर मैं आपको पुराने वाले इस वाले से तोड़ कर दिखाऊँ, कोशिश करता हूँ सिंगल हैंड में, तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। इसमें करना क्या होता है कि इसमें आपको फंसाना होता है, कोशिश करता हूँ मैं। तो जैसे ये सिर्फ ये देखिए ऐसे फंसा लिया, और ये तोड़ना होता है। तो इसमें जो है इसका जो आउटर कवर है वो पूरे फर्श में फैल गया है, और ये भी टूट गया। तो ये आपको ऐसा मिलता जुलता जो है 300 रुपये तक आएगा, जबकि ये वाला जो मॉडल है ये मुझे 730 रुपये के आसपास पड़ा, यानी कि 1,000 रुपये के आसपास आप कह सकते हैं, बहुत ही
कॉस्टली टूल है, जुलता भी मिल रहा है जो कि एल्यूमिनियम एलॉयज में मिल रहा है, आप चाहो तो वो भी खरीद सकते हैं। ये देखिए ये 350 का है, अगर आपको बजट की दिक्कत नहीं है तो आप फिर ये बढ़िया वाला लीजिए, 750 रुपये के आसपास। अगर आप सस्ते वाला लेना चाहते हैं तो फिर आप ये खरीद सकते हैं जो कि 300 या 350 रुपये के आसपास, इससे मिलता जुलता आएगा। और फ्रेंड्स आपको बाज़ार ऑनलाइन अमेज़ोन पर जो है वॉलनट्स और जितने भी और नट्स हैं ड्राई फ्रूट्स हैं आपको अच्छे दाम पर ऑनलाइन अमेज़ोन पर मिल जाएंगे। और आप हमारी पुरानी वीडियो में जो है पॉपकॉर्न मेकर और ये कोकोनट जो है पानी, कोकोनट का जो होता है पीने वाला जो कोकोनट होता है उसको खोलने का बहुत ही आसान टूल है जो कि सिर्फ 350 रुपये का आएगा। और इसी तरह से ये हमारे पास ट्रैवलिंग मिल्क शेकर मेकर है, तो ये हमने अच्छे ब्रांड का लिया था तो ये मुझे 1000 के आसपास पड़ा था। तो ऐसे हमारे वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे बहुत ही यूनिक गैजेट आप कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट रिव्यू है आलमोट क्रैकर का इन हिंदी लैंग्वेज या किसी भारतीय चैनल पे। धन्यवाद।